नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। बात है 1952 के जमाने की और ये तब घटी थी, ये घटना सत्य है। 5 शिकारी थे, मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिका दिन को ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से जेएन सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए, हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। अक्सर लोग इन भूतिया बातों को या तो भ्रम मान लेते हैं या सपना मान लेते हैं। वही उन सब ने कहा, खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है, सो जाओ, कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने लगे, तभी पायल की आवाज आई जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाके देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। केएन सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोचे जा रहे थे, तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए, सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वे मिल नहीं रहा था तो अब हिरण मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों तुम लोग वहां ठहरे हो और जीवित हो? तभी सबने पूछा, क्या मतलब? आदिवासियों ने बताया, साहब वे भूता डाक बंगला है, वहां एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वे? वे एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। क्योंकि दार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला, तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका ठहरा
तो लड़की की आत्मा ने मार डाला, बंगला भूतिया हो गया, आप लोग भी वहां से हट जाइए, रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वे लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। और ये बात है 1952 की, 1952 की, मध्य प्रदेश के जंगलों की। दोस्तों, आखिर किसी के साथ बुरा किसी ने किया, लेकिन उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। और कहते हैं कि आज के दिनों में तो वो डाक बंगला सील कर दिया गया है। आप सबका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।